मुझे लगा करके ना मेरे पे धागे बांध के खींच के मेरी पीठ पे छितर मारते रहे हैं इसका नौकर। तो दो पठान थे, मुझे बड़ा मारा इस लोगों ने। एक बच्चे को बरहना किया जाता है, उसके बाद उसके मुंह पे कालक मली जाती है और उसे नंगा करके इसे चौक में खड़ा कर दिया जाता है। ये देखो मुझे पित निकला है, मेरी पित सर की। इस लोगों ने मुझे धूप के अंदर खड़ा किया, मुझे सोटियों के साथ मारा है। फिर आपके मुंह पे कालक भी मली? हाँ, मेरे मुंह पे वो कालक नहीं मली। खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, मुस्कुराया जाता है, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बनते। छोड़ी की मैंने कहा मैंने की नहीं, कुछ दूर दिखाओ फिर बात। किसने बचाया था फिर आप? वो पुलिस वाले को कहता तुम कौन होते, चल इधर से भाग, मारा मामला। मैंने कहा भाई मेरे कपड़े नहीं दे रहा, उसने कपड़े लेके दिए मुझे, घर पे गा दिए, मैं घर चला गया। हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है? एक बच्चे को बरहना किया जाता है, उसके बाद उसके मुंह पे कालक मली जाती है और उसे नंगा करके इसे चौक में खड़ा कर दिया जाता है। ये वो दुकान है जिसके आगे इसे नंगा करके खड़ा किया गया था, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। लोग तो गुजर रहे थे, लेकिन इंसानियत कहाँ पे थी लोगों में? बाकी वकुआ क्या था, कहानी क्या थी? इस बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगा था कि इसने चोरी की थी, तो इसलिए बढ़ाना किया। कौन इजाजत देता है भाईजन कानून आपको? बेटा क्या नाम है आपका? फिजान। फिजान, क्या करते हो आप? मैं स्पाड़ा पर तो बल्लोपा। चोरी भी करते हो? मैं चोरी नहीं कही तो। तो आप पे चोरी का इल्जाम है, वो कह रहे जी आपने चोरी की है। मैं पीछे से ना लल्लादार अली भाई की कार है, उधर से ना मुसलमान लेते हैं सरफ वगैरह, आटा आटा चीनी चुनी। हमने सरफ तो आटा लिया, मैंने सिलेंडी ले ली, मैंने सिलेंडी का बटन मुझे भूल गया, मैंने बदान लगा हुआ, मतलब वो पीछे आ गया सिलेंडी वाला भाई, वो कहता पैसे। मैंने कहा मेरा पापा देगा सिलेंडी के पैसे, वो कहता ठीक जाओ। मैं ऐसे टूटने लगा, अंदर से भाई निकला, उसने ऐसे मुझे नो मार के ऐसे पकड़ा इधर से, कहता तुमने मेरी भी चोरी की है, बेलचे सिलेंडर गैस के पैन भी, तुमने मेरा सारा सामान तुमने चोरी किया है इधर से, सिलेंडर वगैरह बेलचे ताबड़े तुमने मेरी चोरी किया। मैंने कहा मुझे देखा कोई सबूत दिखाओ, कहता इधर कैमरे नहीं लगे, सबूत नहीं है कोई। मैं कहा कोई सबूत दिखाओगे तो मैं मानूंगा, कहता नहीं है सबूत। मैंने कहा सबूत दिखाओ, मुझे लगा करके ना मेरी पे धागे बांध के खींच के मेरी पीठ पे छितर मारते रहे हैं इसका नौकर। तो दो पठान थे, मुझे बड़ा मारा इस लोगों ने, मेरी धागा बांध के ना ऐसे खींच के ना मेरी पीठ पे छितर मारते रहे चारों। फिर इस लोगों ने ना मुझे ना फिर इस लोगों ने मुझे लगा करके इधर खड़ा किया मुझे धूप में। 12:30 का टाइम था, बड़ी धूप थी। ये देखो मुझे पित निकला है, मेरी पित सर की। इस लोगों ने मुझे धूप के अंदर खड़ा किया, मुझे सोटियों के साथ मारा है। फिर आपके मुंह पे कालक भी मली? हाँ, मेरे मुंह पे वो कालक भी मली है। क्या कहते रहे थे आप? आपको क्या कह रहे थे? हम इधर देख के बात करो, क्या कहते रहे आप? मेरी चोरी की है। मैंने कहा मैंने आपका कुछ उठाया नहीं, कुछ सबूत दिखाओ मैं मानता हूँ। कहते सबूत नहीं ना है, तुमने चोरी की। मैंने कहा मैंने की नहीं, कुछ सबूत दिखाओ फिर बात। किसने बचाया था फिर आपको? फिर वो एक भैया आया सिल्वर वर्दी से, उसका आसिफ भाई नाम है, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उससे पहले जो लोग गुजर रहे थे किसी ने नहीं बचाया? नहीं, वो किसी ने भी नहीं बचाया, सारे देख के गुजरे। हाँ, हंस रहे थे, हंस रहे थे। हाँ, बाद में एक भैया, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने वाईफाई पे कॉल किया। तो जब लोग हंस रहे थे आपने चीखो पुकार की थी कि मुझे बचाओ? कहा था कोई भी नहीं आया, सारे ऐसे ऐसे हंस हंस के निकल के आगे को। फिर एक भैया, उसकी बहुत बहुत मेहरबानी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता, उसने आके बचाया, कहता इसके कपड़े वापस दो। वो उसके सामने भी दमाशी कर रहा था, कहता तुम कौन होते हो, इसके क्या लगते हो। पुलिस वाले के सामने कहता सिल्वर वर्दी थे, सिल्वर वर्दी पाई थी। वो पुलिस वाले को कहता तुम कौन होते हो, चल इधर से भाग, मारा मामला। मैंने कहा भाई मेरे कपड़े नहीं दे रहा, उसने कपड़े लेके दिए मुझे, घर भगा दिए, मैं घर चला गया। मैंने अपने पापा को जाके बताया, बाद में किसने बचाया तेरा पुलिस वाले भाई में, वो मेरे घर आया मुझे, पापा को तो मुझे ठाने ले गया, हमने दरखास्त दरखास्त दे के ना वो बंदे को छका दिया, ये ठिकान वाले उसी। फिर आपको गाली गलौज भी करता रहा? हाँ, गाली भी इसने बड़ी दी है, कहता
तेरे मगर जो भी आएगा ना उसको भी मैं पार चीर के इसको लंगा करके इधर से भेजूंगा उसको। की बात है, आप चोरी नहीं करते? अल्लाह की कसम मैं चोरी कर नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं चोरी। क्या बनना चाहते हो आप? हैं? क्या बनना चाहते हो? आसफ। क्या? आप बस हाफिज बनना चाहते हो? माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बनना है अभी भी हाफिज ना? हाँ। कुछ नहीं होता, देखो ना उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे सजा भी मिल जानी है। अब तो वो अभी डाले में आया था, वो मीडिया वाले को देख के चला गया डाला। नहीं, मैं उसका देखे हैं, पुलिस वाले उसको बड़ा मार रहे हैं। पुलिस वाले बड़ा उसे कह रहे हैं कि तुमने क्यों ऐसा किया। अब उसे तो सजा मिलेगी ना, उसने गलत किया था, उसे तो उसकी सजा मिलेगी। कल मेरे साथ किया, उसके बाद परसों किसी और के बेटे के साथ करेगा। करता क्या हो गया? अब नहीं करता। अब आपने हाफिज बन के दिखाना है, ठीक है? अपना नाम बना के दिखाना है, फिर इसके पास आना, फिर इसे कहना है देखो तुमने मेरे साथ मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। अब बनोगे ना हाफिज? हाँ, पक्की बात है? बनूंगा। तो बड़े शर्म की बात है और बड़े शर्म का मुकाम है हम इंसान के हिलाने के। आपको लगता है कि काबिल हैं जिस माशरे में हम रह रहे हैं? समझ सबाइरा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, कि अगर जो रास्ते में वकुआ होता है, हम देखते हैं ना कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हम लोग होने देते हैं, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, मुस्कुराया जाता है, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बनते, तो फिर हम पे ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे, फिर हम लोग क्यों एतराज करते हैं, क्यों गिले शिकवे करते हैं? जैसे रह रहे हैं इसी तरह फिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ है, ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती।